नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रशांत स्टडी ऑनलाइन में। आइए हम एक हमेशा की तरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। छोटी वीडियो, दो चार पाँच मिनट की वीडियो, लेकिन बहुत ही लाभदायक वीडियो होगी आपके लिए। तो बस चार पाँच मिनट हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, देखिए किस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ, यानी कि इसका क्या है, यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है आपको, इसका क्या निकालना है, रेंज निकालना है। ठीक है, तो है तो बहुत आसान, आप देख के ही इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर जिसको रेंज का मतलब पता नहीं, अगर रेंज के बारे में उसे नहीं पता है, तो उसके लिए थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसका क्या निकालना है, हमको रेंज निकालना है। तो सबसे पहले समझिए कि रेंज क्या होता है, व्हाट इज रेंज, रेंज क्या होता है। देखिए रेंज क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, मैक्सिमम वैल्यू में हम मिनिमम वैल्यू को घटा देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज निकल जाएगा। ठीक है, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू में मिनिमम वैल्यू को घटाते हैं तो क्या निकलता है, रेंज निकलता है। तो लीजिए मैक्सिमम वैल्यू को लीजिए और घटाइए, तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 21 माइनस मिनिमम वैल्यू, देखिए मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, मिनिमम वैल्यू 1 है, तो 21 में 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 20, तो 20 ही हमारा क्या निकल जाएगा, 20 ही हमारा क्या निकल जाएगा, रेंज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि मैं वही क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको जो आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में इस बार पूछे गए हैं। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन को चेंज। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, लेकिन अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर वही बात हो जाएगी, है ना। देखिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से करेंगे। इस क्वेश्चन को किस तरह से हम बना सकते हैं, सभी पेपर में सभी तरह के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, चाहे किसी भी तरह के एग्जाम्स हों, ऐसे क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको जो है 3x-6 से क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो शेषफल आपको बताना है कि शेषफल क्या बचेगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखिए सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, 3x-6 से हमको विभाजित करना है ना, इसको आप 0 के बराबर कीजिए और x का वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा x का वैल्यू, x का वैल्यू हो जाएगा 2। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, ठीक है, x का वैल्यू पुट करेंगे, जो बचेगा वही हमारा शेषफल होगा। x का वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए x का वैल्यू हम पुट करते हैं 12 है, गुना x का क्यूब करेंगे, x कितना है 2, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस 24 गुना x का स्क्वायर करेंगे यानी 2 दुना के 4 हो जाएगा, प्लस 15 गुना x का वैल्यू रखेंगे 2, है ना, तो 15 गुना 2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 12। अब देखिए 12 8 क्या हो जाएगा 96, माइनस 4 चौके 16 के 6 बचा एक, 4 दुना 8 एक 9 96, प्लस 15 दुना के 30 माइनस 12, देखिए ये 96 और ये 96 तो कट गया ना, क्या बचा 30 में 12, कितना बचा 30 घटाओ 12, 30 में 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 18, तो 18 ही हमारा बचा और यही 18 हो जाएगा हमारा सही जवाब। यानी इसका शेषफल क्या हो जाएगा, अगर हम इस टर्म को, इस त्रिघात बहुपद को अगर हम इससे भाग देंगे रैखिक बहुपद से, तो क्या हो जाएगा हमारा शेषफल क्या निकलेगा, 18 निकल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली आप बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।